अध्याय 5। इस अध्याय के अंतर्गत व्रण की साध्य असाध्यता अर्थात प्रोग्नोसिस के बारे में चर्चा की जाएगी। व्रण की साध्य असाध्यता कई बातों पर निर्भर करती है। मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति, मनुष्य की भौतिक स्थिति, मनुष्य के शरीर की बनावट, मानसिक तनाव इत्यादि, और इसके साथ साथ यदि घाव के अंदर कोई फॉरेन बॉडी इत्यादि उत्पन्न हो तब भी जो है व्रण के रोहण के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले व्रण के स्थान के हिसाब से साध्यता असाध्यता के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है स्फिक, पायु, प्रजनन, ललाट, गंड, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, फलकोश, उदर, जत्रु, मुखाभ्यांतर, संसता, सुखरोपणीय व्रणा, अर्थात ऐसे स्थानों पर कि जो अल्सर होते हैं, घाव होते हैं, वो आसानी से भर जाते हैं। ये स्थान है स्फिक, ग्लूटियल रीजन, एनल रीजन, पाइ, प्रजनन ललाट गंडोष्ठ है, जेनेटल रीजन के, फ्रंटल एरिया के, मेलर रीजन के, लिप्स के, पीछे कर्ण कान के और स्कॉटम के जो व्रण है, इसके अतिरिक्त क्लेरिकल के ऊपर के व्रण, ये जो व्रण है आसानी से भर जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने फिर ऐसे व्रणों के बारे में बताया है जिनकी चिकित्सा कठिनाई से होती है, जो व्रण कठिनाई से भरते हैं। ऐसे व्रण अक्षिदंत, नासा, अपांग, सूत्र, नाभि, जठर, सेवनी, नितंब, पार्श्व, कुक्षी, वक्ष, कक्षास, स्तन, संधि भाग, गता, तफेन युक्त, रक्त अनिल वाहिनो, अंतःशल्याशय, दुश्चिकित्सया, अधोभागाश्यो, ऊर्ध्वभागा निर्वाहिणो, रोमांतो, उपनख, मर्म, जंघास्थि संस्कृताश्च, भगंधरमपि, चांतर्मुखम, सेवनी, कुटकास्थि संस्कृतम, अर्थात ऑकुलर व्रण, दांत के, नासा के, अपांग संधि के पास होने वाले व्रण, कान, ओरल व्रण, ओरल रीजन के व्रण, नाभि, जठर यानी गैस्ट्रिक व्रण, पेरिनियल वेफे के व्रण, ग्लूटियल रीजन के व्रण, लेटर साइड ऑफ द चेस्ट के व्रण, कुक्षी अर्थात लोइन प्रदेश के व्रण, चेस्ट के व्रण, एक्जिला, मेमोरी ग्लैंड के व्रण, इसके अलावा जो व्रण है जॉइंट संधि के ऊपर होते हैं, या जिन व्रणों से झाग निकलते हैं, जिन व्रणों से पुए निकलती है, ऐसे व्रण, इसके अतिरिक्त जिन व्रणों से रक्त का स्राव होता हो, या जिन व्रणों से गैस वायु बाहर निकलती हो, या जो व्रण के अंदर फॉरेन बॉडी रहती हो, ये जो व्रण है चिकित्सा की दृष्टि से इनको तुश्चिकित्से यानी डिफिकल्ट टू ट्रीट बताया गया है। इसके अलावा कुछ और भी व्रण बताए गए हैं, ऐसे व्रण जो शरीर के अधो भाग में स्थित हों और ऊपरी भाग से निकलते डिस्चार्ज होता हो उनमें से, या रोमांतो हेयर मार्जिन के नजदीक हों, पेरोनिक या उपनख या वाइटल पार्ट के पास उत्पन्न होते हों, या हिप जॉइंट के व्रण, या ब्लाइंड एक्सटर्नल फिशुला भगंदर आमचापी, इसके अलावा रेफे यानी सेवनी के पास उत्पन्न होने वाले व्रण, और इसके अलावा कुटकासी इश्यल टेबुलोसिटी के व्रण, इन सब व्रणों की जो असाध्य या प्रोग्नोसिस है वो अच्छी नहीं बताई गई। आचार्य सुश्रुत ने इसके आगे रोगी की मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार भी व्रणों के रोहण पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि तत्र वय स्थानाम दृढ़ानाम प्रणवताम सत्वताम से सुचिकित्सया व्रणा, अर्थात जो व्यक्ति जिनका जवान है, यंग पीपल है, जिनके मांसपेशी या शरीर की बनावट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ऐसे व्यक्तियों के व्रण बहुत जल्दी भरते हैं। इसके आगे उन्होंने एक बात और ही बताई, इन चार गुणों में यदि एक गुण भी यदि उसमें है, अर्थात यदि शरीर की बनावट अच्छी है, मानसिक रूप से अच्छा सोचता है और पॉजिटिव थिंकिंग वाला यदि व्यक्ति है तो उसके व्रण जल्दी भरते हैं। यदि इन चार गुणों के विपरीत गुण हैं तो ऐसे मनुष्यों के व्रण कठिनाई से भरते हैं। उन्होंने बताया तैव विपरीत गुणा वृद्ध, तृषा, अल्प प्राण, भीरुष,
दृष्टव्य, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध हैं, दुबले हैं, डेबिलेटेड हैं, या जिनमें मानसिक या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बहुत ज्यादा डरपोक हैं, तो ऐसे रोगियों के व्रण भी देरी से भरते हैं। आचार्य चरक ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से व्रण की साध्यता के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा है, त्वग मांस जय सुखे देशे तरण से अनुपद्रव धीमतो अभिनव काले सुख साध्यत स्मृतो व्रण। इसका तात्पर्य है कि यदि व्रण सुपरफिशियल है, त्वचा अथवा सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर है, या सुख देश है जहां अप्रोचेबल साइट है वहां पर, या एकदम जिनकी ड्यूरेशन बहुत कम है, जिनमें कोई उपद्रव नहीं है और पॉजिटिव थिंकिंग है, धीमतो और अच्छे ऋतु विंटर ऋतु में यदि व्रण हुए हैं तो ये व्रण सुख साध्य आसानी से भर जाते। इसके पश्चात व्रणों की साध्यता असाध्यता शरीर के रोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है। यदि कोई मनुष्य किसी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, व्यथित हो रहा है, तो उसकी प्रोग्नोसिस नेचुरली अच्छी नहीं होगी। आचार्य सुश्रुत ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है, कुष्ठिनाम विषयुष्ठानाम शोषिणाम मधुमेहिनाम व्रणेन कच्छेन सिद्ध्यन्ति येषां चापि व्रण व्रण। अर्थात लेप्रोसी जिनको है, कुष्ठी है, लेप्रोसी लेप्रोमिटस जो पर्सन है, विषयुष्ठानाम पॉइजनस व्रण है, शोषिणाम ट्यूबरक्लोसिस के मरीज के व्रण, डायबिटीज के रोगी के व्रण मधुमेहिना, ऐसे रोगियों के व्रण कच्छेन सिद्ध्यन्ति, दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट। और इसके अतिरिक्त एक और प्रकार के व्रण यदि किसी जगह ऑलरेडी पहले से व्रण मौजूद है और उसके ऊपर दोबारा व्रण उत्पन्न हो जाए, ऐसा व्रण भी कच्छ साध्य होता है, अर्थात डिफिकल्ट टू क्योर। व्रण की साध्यता और असाध्यता संक्रमण के ऊपर भी निर्भर करती है। हमारे आचार्य को इस बात का ज्ञान था। उन्होंने बताया, यदि व्रण संक्रमण रहित है तो जल्दी रोहित होगा, और यदि संक्रमण है तो उसके भरने में बाधा उत्पन्न होगी। बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, वसाम मेदो अथ मज्जानाम मस्तुलंगम च यह स्रवेत आगुन तस्तु व्रण सिद्धे न सिद्धे दोष संभवा। अर्थात जिन व्रणों से वसा मेद पोन मेरो मज्जा मस्तुलंग ब्रेन मैटर का स्राव होता हो और वो संक्रमण से रहित हैं, यानी इनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ऐसे व्रण जल्दी भर जाएंगे। न सिद्धयेत दोष संभवा, यदि ऐसे व्रण कॉन्टामिनेटेड हो गए हैं दोषों के द्वारा अथवा इन्फेक्शन हो गया है, तो ये व्रण हीलिंग की दृष्टि से अच्छे नहीं माने, इनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है। आचार्य सुश्रुत ने व्रणों की असाध्यता के बारे में भी बताया है, जो व्रण अमर्मोपहिते देशे सिरा संध्या अस्थि वर्जिते विकारो अयम अनुपयोति तद असाध्यस्य लक्षणम। अर्थात ऐसे व्रण जो वाइटल पार्ट में भी नहीं है और सिरा संधि अस्थि इत्यादि पर भी नहीं है और इनसे वर्जित है यानी कॉन्टामिनेटेड भी नहीं है, विकारो यो अनुपय, और ये व्रण किसी तरह के उपद्रव से भी रहित है, लेकिन चिकित्सा करने के बाद भी वो बराबर ठीक नहीं हुए, परिणाम बराबर संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्रणों को भी असाध्य व्रणों की श्रेणी में रखा गया। आचार्य सुश्रुत ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई कि यदि व्रण अपने आसपास की रचनाओं में पेनेट्रेट कर गया है तो ऐसा व्रण भी चिकित्सा की दृष्टि से असाध्य होता है। उन्होंने बताया, जिस प्रकार एक बड़ा वृक्ष जिसकी जड़ें पृथ्वी में बहुत मजबूती से घुस रही हैं, ऐसे व्रण